नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में कि हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं और वो कैसे हमें हिस्ट्री लिखने में मदद करते हैं और उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो देखते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होता है। दोज थिंग्स विच गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट आर कंसिडर्ड एज द हिस्टोरिकल सोर्सेज। हर वो ऐसी चीज़ जो हमें पास्ट के बारे में, अपने पास्ट के बारे में बताती हो, उसे हम हिस्टोरिकल सोर्सेज कहते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि हम फॉसिल्स को देख सकते हैं, स्टोन्स को देख सकते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, वो कॉइन्स हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं जो कि हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं, उसे हम हिस्टोरिकल सोर्सेज कहते हैं। अगर हम स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज में पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इन सभी के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के रूप में हमें मिले हैं स्टोन टूल्स। फिर हमें फॉसिल्स मिले हुए हैं, फिर हमें कुछ केव पेंटिंग्स भी मिली हुई हैं, फिर कुछ ग्रेन्स भी आप कह सकते हैं जो कि हिस्टोरिकल सोर्सेज में आते हैं। ये हमें, इससे हमें ये पता चलता है कि स्टोन एज में जो मानव थे वो क्या चीज़ खाया करते थे। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि हमें स्टोन एज के बारे में बताते हैं। स्टोन एज में आप देखेंगे तो ज़्यादातर हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वहाँ पे हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिले हुए हैं, जो कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम खासकर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप वहाँ के साइट्स के बारे में, तो वहाँ पे जो और एविडेंसेस मिली हैं वो है बीड्स, फिर पॉटरीज, ऑर्नामेंट्स कुछ, और कुछ स्टैचूज भी मिली हैं छोटी छोटी, जैसे कि मदर गॉडेस। यही कुछ आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें, जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स के बारे में बात करें तो जो वहाँ के सील्स हैं उनके ऊपर हमें कुछ सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ कुछ मिलता है, बट उनके बारे में हम अभी तक पढ़ नहीं पाए क्योंकि अभी वो डिसाइफर्ड नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमें कुछ खास जानकारी रिटन रिकॉर्ड्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं मिलता है। जो हैं भी अभी दे आर स्टिल अनडिसाइफर्ड। रिटन रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो हमें वैदिक एज में ऋग्वेदा को माना जाता है कि जो हमारा ऋग्वेदा है वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया है। उसके बाद बाकी के जो तीन हैं लेटर वैदिक एज में पाया गया है। बाकी के तीन वो क्या है, वो पहला है सामवेद, यजुर्वेद और तीसरा है अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो अर्ली वैदिक एज में लिखा गया है और बाकी जो तीनों हैं ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। यहीं से हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स के सोर्सेज मिलना शुरू होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड ऑल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विच गैदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो कि रिटन फॉर्म में पाए जाते हैं उन्हें हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ ट्रेसेज हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है लिटरेरी सोर्सेज का, बट जो कि अभी वो अनडिसाइफर्ड है, इसकी वजह से हम पूरी तरह रिलायबल नहीं होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिस्ट्री को जानने के लिए। बस हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हैं। और फिर हम वैदिक एज की हमने बात की तो वैदिक एज में हमने देखा कि अर्ली वैदिक एज में हमें जो ऋग्वेदा है जो कि अर्ली वैदिक एज में लिखा गया है, हमें वहाँ की सोसाइटी, इकॉनमी और रिलीजियस लाइफ के बारे में ऋग्वेदा से पता चलता है। फिर और बाकी जो तीनों हमने डिस्कस की, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। महाजनपद पीरियड से हमें सबसे ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट से मिला हुआ है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मौर्य डायनेस्टी में अशोकन पीरियड के समय में हमें उनके खास करके जो रॉक एडिक्ट्स, चाहे वो माइनर और मेजर एडिक्ट्स रहे, फिर उसके बाद पिलर एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन, और ऐसे काफ़ी केव्स भी रहे हैं जो कि इन्होंने
हज विकास को या कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को डोनेट कर दिए थे उनके नाम पे। यहाँ से भी हमें इनके रिटर्न रिकॉर्ड्स के बारे में पता। आइए अब हम देखते हैं कि वो दो टाइप ऑफ लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं। पहला तो होता है इंडिजिनस सोर्सेज, जो कि इंडिजिनस सोर्सेज वो होते हैं जो कि यही नेटिव इंडियन सोर्सेज जो हैं, जैसे कि वेदास, पुराणास, एपिक्स और मनुस्मृति, ये सारे इंडिजिनस सोर्सेज हैं जो कि यहीं लिखे गए हैं। फिर हम फॉरेन सोर्सेज की बात करें तो ऐसे सोर्सेज जिनको किसी ने कभी इंडिया विजिट किया होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं ट्रैवलर्स जो कि कभी इंडिया विजिट करते हैं और यहाँ के ज्योग्राफी के बारे में, यहाँ के कल्चर, यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ का रहन सहन सब कुछ देख के वो अपने तरीके से इंडिया के बारे में लिखते हैं, तो उन्हें हम फॉरेन सोर्सेज कहते हैं। अगर हम इंडिजिनस सोर्सेज की बात करें तो इंडिजिनस सोर्सेज भी दो तरह के होते हैं। तो पहला जो है वो है रिलीजियस सोर्स। रिलीजियस सोर्स में भी दो तरह के होते हैं। पहला तो होता है ब्रह्मानिकल और दूसरा होता है जो कि बुद्धिस्ट एंड जो जैनिज्म सोर्स होते हैं। तो बुद्धिस्ट और जैनिज्म सोर्स होते हैं और ब्रह्मानिकल सोर्सेज में जैसे कि आप जानते हैं वेदास हो गए, पुराण, मनुस्मृति, ये सब जो है ये ब्रह्मानिकल सोर्सेज हैं। और इधर अगर हम बुद्धिज्म सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपने सुना होगा त्रिपिटक, बास्केट ऑफ, जिसको कहते हैं बास्केट ऑफ थ्री बुक्स। अब ये देखते हैं कि इस त्रिपिटक में कौन कौन सी बुक्स को रखते हैं। तो सबसे पहला है इसमें सुत्त पिटक, फिर दूसरा है विनय पिटक और फिर तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। तो ये जो तीनों हैं ये हमारे बुद्धिस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड्स हैं। अभी तक तो हमने बात की है रिलीजियस सोर्सेज के बारे में। अब रिलीजियस सोर्सेज के बाद आता है सेक्युलर सोर्सेज। हम सेक्युलर सोर्सेज की बात करते हैं तो ऐसे सोर्सेज जो दैट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजियस बिलीव्स। ऐसे सोर्सेज जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीव्स के बारे में न बताता हो उसे हम सेक्युलर सोर्स कहते हैं। सेक्युलर सोर्सेज के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो जिसमें आता है हर्षचरित, जिसको बाण भट्ट ने लिखा है, और दूसरा हम देखेंगे कालिदास का अभिजनान शाकुंतलम और मेघदूतम। ये कुछ सेक्युलर सोर्सेज के एग्जांपल हैं, इन्हें आप लिख लीजिए। तो अभी तक हम देख रहे थे कि इंडिजिनस सोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए हम अगला देखते हैं कि फॉरेन सोर्सेज क्या होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंडिजिनस सोर्सेज का डेफिनेशन क्या है। इंडिजिनस सोर्सेज आर सोर्सेज विच आर रिटन इन इंडिया। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वेदास, पुराना, एपिक्स, बायोग्राफिकल लिटरेचर और क्रॉनिकल्स। अब देखिए फॉरेन अकाउंट्स क्या होते हैं। फॉरेन अकाउंट्स आर दोज विच आर रिटन बाय डिफरेंट ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया इन डिफरेंट टाइम पीरियड। जो भी बाहर से इंडिया में आया हुआ है, इंडिया के ज्योग्राफिकल कल्चरल, यहाँ के कस्टम्स एंड बिलीव्स के बारे में जो भी उन्होंने देखा है, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी किताबों में लिखा हुआ है। तो आइए एग्जांपल में देखते हैं कि किसने किसने हमारे इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। तो हम ग्रीको रोमन राइटर्स की बात करें तो हेरोडोटस हो गए, स्टर्बो हो गए, डायडोक्सिस हो गए, एरियन हो गए, टॉलमी हो गए, ये कुछ ग्रीको रोमन राइटर्स हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में अपने अपने कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं, रिटन अकाउंट्स। और फिर हम दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चाइनीज ट्रैवलर हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, जैसे कि आप देख रहे हैं फाहियान, जो कि विजिट किए इंडिया में 5th सेंचुरी में। फिर उसके बाद वेन सांग, विजिटेड इंडिया इन 7th सेंचुरी AD। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं आयत सिंह हैं, जो कि विजिट किए थे इंडिया में, ये भी इन्होंने भी 7th सेंचुरी में विजिट किया था। ये सारे चाइनीज ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने इंडिया में आए और इंडिया के बारे में लिखा। फिर अगर मुस्लिम सोर्सेज की बात करें तो अल बरूनी हो गए, इब्न बतूता हो गए, अल मसूदी हो गए, ये कुछ मुस्लिम सोर्सेज हैं जिन्होंने इंडिया के रिलीजियस, इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में जो भी इनको समझ में आया वो इन्होंने लिखा अपने अकाउंट। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि सोर्सेज क्या होते हैं,
उसके बाद टाइप्स ऑफ सोर्सेज हमने देखा। टाइप्स ऑफ सोर्सेज में हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में अभी तक ये सब जो भी हमने देखा है लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात किया है, जिनमें अभी हम बात कर रहे थे फॉरेन अकाउंट्स के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तो आइए देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट फ्रॉम मटेरियल रिमेंस, तो मटेरियल रिमेंस रेंज फ्रॉम ग्रैंड पैलेसेस टेम्पल टू डिस्कार्ड प्रोडक्ट्स ऑफ एवरीडे ह्यूमन एक्टिविटी सच एज पीस ऑफ ब्रोकन पॉटरी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो कि जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं कि वो ग्रैंड पैलेसेस हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, कोई पीस ऑफ ब्रोकन पॉटरी भी हो सकता है जो कि हमें एंशियंट पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और हम और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात करें तो और काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो कि हमें खुदाई के समय जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मिलता है, जैसे कि हो गया कॉइन्स हो गए, पॉटरी हो गई, फॉसिल्स हो गए, और हम बात करें तो सील्स हो गए, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। तो आइए देखते हैं कितने टाइप के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ थ्री टाइप्स। उसमें क्या क्या होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं और मॉन्यूमेंट्स होते हैं। हम धीरे धीरे करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये सोर्सेज हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं इंडिया के एंशियंट पास्ट के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कॉइन्स से। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स आर कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक, जो भी कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है उसे हम न्यूमिस्मैटिक, उसको हम न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन को। आइए हम देखते हैं कि कॉइन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे हिस्ट्री को बताने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स। जो कॉइन्स होता है सबसे पहला तो नेम ऑफ द किंग, हमें पता चलता है किसी पर्टिकुलर कॉइन को देखने से कि उस पर कभी कभी जिस किंग ने उसे इश्यू किया होता है उस राजा का उस पर नाम लिखा होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो इनके कॉइन्स हमें मिले हुए हैं उस पर इन्हें रिफर्ड किया गया है एज परम भटार महाराजाधिराज श्री समुद्र गुप्त। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कॉइन है वो किसी राजा के नाम को भी बताता है कि किस राजा ने उसे इश्यू किया है। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त, हम एग्जांपल में हमने लिया समुद्रगुप्त का कॉइन जिसपे लिखा गया था परम भट्ट भट्टार महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त। फिर हम देखते हैं कॉइन्स के थ्रू हमें स्क्रिप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एज, हमें उस पर्टिकुलर एज के स्क्रिप्ट के भी बारे में पता चलता है। फिर हमें उनके रिलीजियस बिलीफ के भी बारे में पता चलता है। अगर हम एग्जांपल में देखें तो इमेज ऑफ लक्ष्मी ऑन गुप्ता कॉइन्स, जब हम गुप्ता कॉइन्स को देखते हैं तो उस पर गॉडेस लक्ष्मी का इमेज मिलता है और फिगर ऑफ शिवा इन कुशान कॉइन्स। जब हम किसी के रिलीजियस बिलीफ के बारे में जानते हैं तो वो भी हमें इन्फॉर्मेशन कॉइन्स से मिल सकता है कि गुप्ता ऐसे कॉइन्स के ऊपर हम देखते हैं कि गॉडेस लक्ष्मी के फिगर बना हुआ है और जो कुशान कॉइन, जो कॉइन कुशान ने इश्यू किया हुआ था उस पर भी हम जो गॉड शिव हैं उनके फिगर को पर। और फिर हम देखते हैं अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो कॉइन होते हैं उस पर उससे हमें ये भी पता चलता है कि किस राजा ने उसे इश्यू किया है और कभी कभी उस कॉइन पर डेट भी लिखा होता है कि वो किस कंट्री के किस पार्ट में रूल कर रहा होता है किस टाइम पीरियड पर। फिर हम देखते हैं यूज़ ऑफ एपिथेट्स, एपिथेट्स लाइक अश्वमेध यजन, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी कॉइन्स में हम बड़े बड़े एपिथेट्स भी पाते हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है कि वह राजा सिर्फ एक महान शासक ही नहीं बल्कि वो ब्रह्मानिकल रिचुअल्स और राइट्स पे भी बिलीव करता था, वो बड़े बड़े यज्ञ परफॉर्म करवाता था। फिर हम कॉइन्स के थ्रू इकोनॉमिक कंडीशन को भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सिल्वर कॉइन इश्यूड बाय चंद्रगुप्त टू, इन सबसे हमें ये पता चलता है कि कौन से शासक ने किस कॉइन को इश्यू किया था, चाहे वो गोल्ड हो, गोल्डन कॉइन हो या सिल्वर हो और मे बी वो कॉपर कॉइन भी हो। तो हमने देखा कि कॉइन किस तरह कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारे हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए कि उस पर एक शासक का नाम भी होता है, हमें उस पर्टिकुलर एज के स्क्रिप्ट के भी बारे में पता चल रहा है कि वहाँ कौन सी भाषा उसमें बोली जा रही थी, फिर उनके रिलीजियस बिलीफ के भी बारे में पता चल जाता है। फिर टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पीरियड में कौन सा शासक कितने जियोग्राफिकल एरिया में यूज़ कर रहा था या सॉरी रूल कर रहा था उसके बारे में पता चल जाता है। वो बड़े बड़े एपिथेट्स भी यूज़ करता था, जैसे कि कोई भी जो शासक रहा वो बहुत बड़ा यज्ञ परफॉर्म करवा रहा था तो वैसा ही एक एपिथेट हुआ है कि ये अश्वमेध यज्ञ ऐसे इस तरह के वो एपिथेट्स यूज़ करते थे। हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो सिल्वर कॉइन इश्यूड बाय चंद्रगुप्त टू
और फिर उसके बाद और सारे भी कॉइन्स थे जैसे कि इश्यू किए जाते थे उस टाइम, गोल्डन कॉइन्स हो गया, सिल्वर हो गया और कॉपर कॉइन्स हो गया। अब चलिए हम इंस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं कि वो किस तरह यूज़फुल हो सकता है हमारे हिस्ट्री के बारे में बताने को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंस्क्रिप्शन आर इनग्रेव्ड ऑन रॉक, स्टोन्स, आयरन पिलर्स, केव्स, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लेट्स एंड टेराकोटा सेल्स पे। अगर टेराकोटा सेल्स की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इंडस वैली हाई बी सी एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे जो टेराकोटा सेल्स हुआ करते थे उस पर कुछ पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में हमें काफ़ी सारे सेल्स मिले हुए हैं, बट उन्हें अनडिसाइफर्ड थे, उन्हें पढ़ा नहीं गया था। और अगर हम रॉक, स्टोन और आयरन पिलर की बात करें, ये ह्यूज अमाउंट में हमें सबसे ज़्यादा मौर्यन टाइम पीरियड में ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि रॉक, स्टोन्स और आयरन पिलर पर इनग्रेव किए गए हैं। आइए हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंस्क्रिप्शन, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो जो पहला हम देख रहे हैं अबाउट द नेम एंड टाइटल ऑफ द किंग। किंग कभी कभी क्या होता है, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उस पर काफ़ी बड़े बड़े लाइंस लिखे होते हैं, तो उसमें उसे किस राजा ने इश्यू कराया है और उस राजा का क्या टाइटल रहा है हम उसके बारे में भी जानकारी पा जाते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करें तो अशोक का हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज देव नाम प्रिय। तो अशोका के एक ऐसे इंस्क्रिप्शन पे हमें पाया गया कि अशोका को देव नाम प्रिय नाम से जाना जाता था। और फिर उसके बाद हम दूसरा अगर देखें तो अबाउट द अचीवमेंट्स एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ द किंग, किस राजा का शासक कहाँ से कहाँ तक था, कभी कभी हमें उसके बारे में भी जानकारी मिलता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अलाहाबाद का जो कि आज प्रयागराज है, अलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति जो कि अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। जो इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में बताता है, जिसे हरिसेन जो कि उनके कोर्ट पोएट थे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। फिर हम देखते हैं अबाउट द तीसरा पॉइंट है अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर, हमें किसी पर्टिकुलर राजा के जो शासक रहा है उसके उसका एम्पायर कितने एरिया तक फैला हुआ है, उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट उसके बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और उसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में भी हमें कभी कभी इंस्क्रिप्शन से पता, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसी डायनेस्टी के बारे में या हमारे एंशेंट हिस्ट्री पास्ट को जानने के लिए। हमारा तीसरा आर्कोलॉजिकल सोर्स जो है वो है मॉन्यूमेंट्स, जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बड़े बड़े राजाओं ने बनवाए हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार ये हेल्पफुल है। एवरी ग्रेट हिस्टोरिकल हैज़ एक्सरसाइज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, जितने भी बड़े ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ रही हैं वो उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है बड़े बड़े मॉन्यूमेंट या बड़े बड़े आर्किटेक्चर को बनाने में। द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर इज स्पिरिचुअलिटी, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंडियन आर्किटेक्चर का वो खासकर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है। हम देखते हैं जो टेम्पल्स बने, खास करके इंडिया में आप साउथ में चले जाएंगे तो बड़े बड़े टेम्पल्स आपको बने हुए मिलेंगे। अर्लीस्ट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया आर द बुद्धा स्टूपा, चैत एंड विहारास। और बड़े कुछ मॉन्यूमेंट्स, हम एंशेंट मॉन्यूमेंट्स की बात करें एग्जांपल में तो सांची स्टूपा हो गया, पिपरावा स्टूपा हो गया, टेम्पल्स हो गए बड़े बड़े, अजंता एलोरा केव्स हो गया और ये एलिफेंटा केव्स हो गया, ये कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। फिर यहाँ पे भी कुछ लिस्ट दिए गए हैं मॉन्यूमेंट्स के और उसे किसने बनवाया है, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सांची स्टूपा जिसे अशोका ने बनवाया हुआ है, फिर आता है बरहुत स्टूप जिसे सुंगास ने बनवाया है, फिर आता है अमरावती स्टूपा सातवाहन के टाइम पीरियड पे बना हुआ है ये, फिर अजंता पेंटिंग्स या दशावतार टेम्पल जिसे गुप्ता पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया है, फिर शोर कैलाशनाथ और वैकुंठ टेम्पल जिसे नरसिम्हा टू ने बनवाया है, और सिक्स जो है विरूपाक्ष टेम्पल जिसे चालुक्यास और बदामी ने बनवाया है, फिर सातवां जो है हमारा वो महाबोधि टेम्पल जिसे पालराज रूलर ने। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, आज हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।